एंटरटेनमेंट भरपूर। कोई बात नहीं, आ जाओ, खाली है। लगता आज प्रोग्राम सेट हो जाएगा। कहाँ गए हुए थे? यार अपने घर है, और क्या, आप रह सकती हैं, अपने घर समझो। मैं फेक न्यूज़ से बोल रहा हूँ। अभी अभी सूचना आया है कि कातिल हसीना के नाम से एक लड़की है जो आपके घर एक चाबी के बहाना आपके घर आती है और आपसे कुछ समय तक बिताने को कहती है, और थोड़ा सा टाइम आप दे दोगे तो उसको आपके जान से मार देगी। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं आपके सामने हैं, आप मूड ऑफ कर रहा है, आप ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो आपके पास कातिल हसीना बैठी है, हो सकता है आपका आखिरी रात हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ। मूड ऑफ कर रहा है, चल बंद करता हूँ, सुबह को बनाने में लगा हुआ है आज मेरा भी, टीवी बंद करता हूँ। हाँ जी, जूस पीना है? मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। किसका? क्या? मेरे कहने का मतलब ये है हाँ जूस। अरे यार, ऐसे बोलना था ना, मैं तो डर ही गया यार। खून पियोगी? कोई भूत थोड़ी हो कि तुम मेरा खून पियोगी। कोई ना, बैठो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जी, आप कहाँ आ गए अंदर? मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं। कोई ना, बैठो, मैं आ रहा हूँ लेकर के। आ गया है जूस, आ गया आपका, ठीक है। इसकी जवानी देखकर तो मेरा भी आज रूबारूब मन बहुत कर रहा है कि मैं इसके साथ पूरी रात गुजारूं और रंगीनी रात भी इसके साथ ही गुजार दूं। देखता हूं, पूछ करके राजी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। हाँ जी मैडम, क्या विचार है आपका हमारे बारे में? कुछ रंगीनी रात बिताना चाहती हो कि नहीं? चलो अंदर, मैं आती हूँ। जल्दी आना है, आज लग रहा प्रोग्राम सेट हो जाए। कितना वेट कराओगी? क्यों तड़पा दिए हो मेरे को? इंतजार करते करते मैं परेशान हो रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ यार, कितना वेट कराओगी? मैं आ जाओ यार। ये दोस्त भी ना बहुत कमीने होते हैं। जो यार, मैं रोमांटिक मूड में हूँ तो ये फोन करके मेरे को तंग कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा बिजी था यार। क्या हो गया? अरे यार, ये तेरी भाभी सेट करने में लगा हूँ। अच्छा यार, भाभी? कौन सी भाभी? अरे जो ऊपर रहती है, उसका चाबी गुम हो गया था। अरे यार वो, हाँ हाँ वो तो यार भाभी ने रूम कई साल से बंद है। कितने साल से बंद है? अरे यार कम से कम 2 साल है यार। अरे यार मैं तो भूली गई। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, आज तो लग रहा है हमारा भी मौत आ लिखा है इसी का हाथों। मैं सरकारी नौकर थोड़ी ना हूँ
कि मैं रिश्वत लूंगा। मैं तो लोगों का खून पीती हूँ, लोगों को जान से मारती हूँ। मैं तुम्हें भी जान से मारने ही आई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मेरा तुम सारे परिवार हो। मैं तुम्हें अपना चाबी देता हूँ, घर का चाबी, और पर हमारे साथ रहो। मैं अपना परिवार बोला बहुत अच्छा, पर हमारे लिए हम दोनों प्यार करते थे। हमारे माँ बाप ने हमको शादी के वचन दे के हमें हवेली बुलाया, हमसे कहा कि तुम्हारे दोनों की शादी कर देंगे। हमें धोखे से हमारी हत्या कर दी और हमें इस हवेली में दफन कर दिया था, इसलिए हमारी आत्मा आई है निकल के कि बदले लेंगे। पर तुम एक पहले शख्स हो जो हमें अपना परिवार माना है, इसलिए हमें माफ कर दो। देने के लिए घर में जगह दिया, लोग तांत्रिक बुलाते हैं, सूखा बुलाते हैं, खदेड़ देते हैं। हमें दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन मार के गड्ढे में दफना दिए। आपने बहुत बारी उपकार किया है कि आप रहने के परिवार हमारे सदस्य बने। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिला नहीं। हेलो फ्रेंड, दूसरा भाग। हेलो फ्रेंड, दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी गलती होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एलके स्मार्ट पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और हमारे साथ जो मैडम भूतनी बनी हुई हैं, इनको भी थोड़ा सा लाइक कीजिए। तो कैसा, इनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये कैसा एक्टिंग की हैं और कैसा नहीं, और कैसा कर रही है और कैसा एक्टिंग करना चाहिए।